सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एक अनदर गेमिंग वीडियो में। तो गाइस, आज वापस से खेलने जा रहे हैं हॉगवर्ट्स मिस्ट्री। तो पिछले बार अगर याद होगा तो हम हो चुके थे हॉगवर्ट्स के अंदर, और वहाँ पर हमने कुछ अच्छे दोस्त बनाए, कुछ बुरे दोस्त बनाए, और काफ़ी सारा जादू सीखा। मतलब थोड़ा सा जादू सीखा, एक ही स्पेल सिखाया हमने अभी तक, ठीक है, जो है लाइटनिंग चार्मिंग स्पेल। तो आज की वीडियो में हम कुछ और धमाकेदार करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू, लेट्स बिगिन। तो अभी हम यहाँ पे वेस्ट टावर पर रहे थे, और अभी अभी कुछ नया मिशन देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो जल्दी से अपना नया मिशन क्या है वो देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो अपने को जाना है अभी ग्रिफिंडर हाउस के अंदर, तो चलते हैं अभी ग्रिफिंडर हाउस के अंदर, मतलब अपना हाउस। हमने पिछली बार ग्रिफिंडर हाउस चुना था, और यहाँ पर अपने को अपने दो दोस्त थे, ये रखा एंजेलिका और रोवन। यस, एंजेलिका अपनी प्रिफेक्ट है, जो अपने को बताएगी क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने हाउस पॉइंट दिख रहे हैं, और हम सबसे लास्ट में चल रहे हैं भाई, क्योंकि हमने कुछ गलती की पिछली बार स्नेप के क्लास में, और उसने हमारे 10 पॉइंट छीन लिए। अगर वो 10 पॉइंट नहीं छीनता तो अपने अभी हम नंबर 1 पर होते, तभी हम नंबर 4 पर है, अपने को नंबर 1 पर जाना है। तो ठीक है, तो अभी हम आई एम सॉरी बट वो आर यू एंड वाई टॉकिंग। अरे भाई परफेक्ट है वो तेरी एनजी का कॉल है, ठीक है भाई। वाटर इन द हाउस एंड हेल्थ फर्स्ट 5 आवर्स, ठीक है। चलो ये अपने पर नज़र रख रही है, क्योंकि अपना जो भाई था ग्रिफिंडर के अंदर, उसने कुछ तो गलत काम किया है, और इसलिए ये अपने पर नज़र रख रही है अभी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई वो स्नेप ने उसको एक लेटर भेजा है, ठीक है। तो स्नेप ने इसके लिए एक लेटर भेजा है, ठीक है। चलो जल्दी से अभी वो लेटर को पढ़ लेते हैं हम। ओके, तो उसने अपने को कुछ चीज़ें लाने को बोली है स्टोर रूम से, पोशन स्टोर रूम से। तो चलो जल्दी चलते वहाँ पे। ओके, तो ये अपना दोस्त है नया नया यहाँ पे, जो हमने पिछली बार बनाया था। तो चलो इसके साथ चलते हैं अभी उस स्टोर रूम के अंदर, और देखते हैं भाई क्या होता है। और अपने को 10 पॉइंट भी देने वाला है वो, क्या बात है भाई। स्नेप अच्छा बंदा है वैसे तो, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, इसलिए सब उसे डरते हैं भाई। हैरी पॉटर के अंदर सब उसे डरते थे भाई, ठीक है। चलो अभी चलते हैं भाई उस स्टोर रूम के अंदर, देखते हैं क्या मामला है वहाँ पे, कि अपने को हाउस पॉइंट्स वापस मिलते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो हम आ चुके हैं वहाँ पे, अभी चलते हैं भाई। चलो तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में, देखते हैं भाई कितना टाइम लेता है। वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि मेरा नेट स्लो। ओके, हो गया, लोड हो गया। आई कॉन्ट सी अ थिंग, व्हाई डू यू क्लोज द डोर रोवन। अच्छा, तो भाई यहाँ पे किसी ने शायद अपने को ट्रैप में फंसा दिया है, और यहाँ पर हम वैंड लाइटनिंग चार्म का इस्तेमाल करेंगे स्पेल को, जिससे कि अपनी टॉर्च जल जाएगी। लुमास, ओके, तो यहाँ पे टॉर्च जल चुकी है, और भाई यहाँ पे पौधों का भाई जंगल है भाई। ये दरअसल जो है वो लाइटनिंग चार्म से डरते हैं, और अपने को पकड़ लेते हैं। अभी इसको पकड़ लेंगे, हमको पकड़ लेंगे। और यहाँ पे मेरीउला भाई, इसने अपने को फंसाया है, अपने यहाँ पे दुश्मन है। पिछली बार अपना दुश्मन कौन था, उसका नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो भी स्लीदरन से था, और ये भी स्लीदरन से है, लेकिन ये लड़की है, वो लड़का था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो यहाँ पे अभी हम फंस चुके हैं भाई, ठीक है। इन बेलों ने अपने को कब्जे में ले लिया है उसके, तो अभी रोवन शायद हेल्प करेगा कुछ तो। डेविल स्नेरियस वो अपने को पकड़ लेता है, अगर उसको ऐसे लाइटनिंग चार्म से डराओ तो। मेरुला ने फंसा दिया मतलब अपने को यहाँ पे, तो अभी अपने को यहाँ से निकलना है, तो चलो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। ओके भाई, ये लोड होने में टाइम लेते थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया लोड। चलो भाई अभी जल्दी जल्दी से सबको निकल देते फटाफट, फेंड ऑफ। ओके, तो अपने को शायद स्पेल जो है यूज़ करते रहना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली, तभी हम छूट पाएंगे यहाँ से, ठीक है भाई। लुमस लुमस करते जा, सब कुछ छुड़ाते जा। ओके, चलो छूट तो रहे हम, लेकिन शायद वो पकड़ ले रहा है अपने को बार बार। ओके, तो यहाँ पे हमने वापस से एक बार
कैद से छूट गए? नहीं छूटे, अभी तक तो नहीं छूटे। ओके भाई, इसने और गच पकड़ लिया अपने को, टाइट पकड़ लिया है। छोड़ दे यार, यार वो स्पेल जो बंद करना चाहिए था उसको, मतलब वो भी फ्रेशर ही है, उसको क्या पता होगा कि भाई कैसे वर्क करते हैं डेविल स्नेर। ओके कोई तो आ गया शायद मदद करने अपने को, देखते भाई कौन आ गया मदद करने। ओके भाई कोई तो आ गया। ओके हैग्रिड आ गया अपने मदद करने, भाई साहब अच्छी बात है भाई, हैग्रिड अपना दोस्त बनेगा। ओके मुझे पता था वो स्केयर स्केयर होते हो, मतलब डरते हो वैन लाइटनिंग चाम से। तो यहाँ से हम अभी शायद सक्सेसफुली निकल चुके हैं बाहर। ओके तो चलो अभी हैग्रिड से थोड़ी बातचीत करते हैं भाई, और बताते हैं उसको क्या हुआ। ओके तो ये पूछ रहा है कि तुम वहाँ पे कैसे गए? तो उस मेरुला स्नेड ने अपने को वहाँ पे फंसा दिया था, तो अब हम क्या करेंगे भाई? ठीक है तो अभी हम जाएंगे सीधा सीधा टेल माय क्लासमेट्स पे। ओके अपने पास प्रूफ नहीं है, लेकिन लेकिन अपने पास एक वो लेटर है जो उसने भेजा था, लेकिन वो काफ़ी नहीं होगा। ठीक है ओके तो चलो चलते हैं अभी भाई साहब। अपने प्रेफेक्ट को अगर बताते, उस एंजेलिक को जाकर बताते कि भाई अपने को फंसाया गया, अपने कुछ हाउस पॉइंट नहीं वापस मिले। उसने तो देगा भी नहीं हाउस पॉइंट, उसकी क्लास जो हमने मतलब ध्यान भटक गया था हमारा उसकी क्लास में, तो वो देगा नहीं अपने को हाउस पॉइंट। तो चलो अभी चलते एंजेलिका को, एंजेलिका के पास। तो आ गए हम वापस से एंजेलिका के पास, मिफर इन हॉगवर्ड। ये क्या है भाई, शायद अपने कुछ तो प्राणी मिलने वाला है यहाँ पे, मतलब कि मिलते हैं ना ये ऐसे वहाँ पे सबके पास, क्या होते हैं उल्लू होते हैं जिनसे जिस पर हम जादू करके उसका रूप बदल सकते हैं, वैसे ही ये कुछ तो है। तो चलो अभी एंजेलिका को बताते हैं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ठीक है तो हम आ गए यहाँ पे। ओके अपने कपड़े भी फट गए वहाँ पे। ओके ये भी पूछ रहे आपने प्रूफ है? यार प्रूफ नहीं है भाई, अपने सिर्फ वो लेटर है, लेकिन वो इतना पक्का प्रूफ तो नहीं है। और अपने सिर्फ आवाज़ सुनी इसकी कॉरिडोर के बाहर, मतलब उस रूम के बाहर। अभी वो ही होगी तो अपने को पता है कि वो मेरी लाई थी, इनको नहीं पता लेकिन वो मेरी लाई थी या नहीं। ठीक है चलो हो गया, अभी क्या करना है भाई? क्लास में जाना शायद, नहीं नए कपड़े पहनने, तो चलो जल्दी से नए कपड़े पहनते हैं यहाँ पे। ओके तो फटाफट से हमने नए कपड़े जो है पहन लिए, अभी चलते भाई। एक्सेप्ट चेंजेस, यस। ओके अभी क्या करें? ओके तो ये कपड़े हमने नए अच्छे से पहन लिए भाई, एकदम चॉकलेट बॉय लग रहा है। एकदम छपरी लग रहा है, मतलब चॉकलेट के भाई, अच्छा छपरी है, छपर है, पैसा बहुत पैसा है इसके पास शायद। ठीक है तो अभी चलते हैं अपना झाड़ू उड़ाने के लिए, झाड़ू पर बैठ के उड़ने वाले हैं अभी हम। तो चलते हैं भाई जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर, वापस जाके अपना झाड़ू पे बैठते हैं। और यहाँ पे कुछ तो शायद शॉप पे, और यहाँ पे और भी कपड़े विपड़े शायद हम ले सकते हैं, स्टोर है यहाँ पे सीधा सीधा। लेकिन इसके लिए अपने पास कॉइन्स और जेम्स होना चाहिए, और जो कि अपने पास ज़्यादा तो नहीं है, 530 कॉइन्स और 200 जेम्स, बस 25 जेम्स है भाई। ये क्या भाई, ये एलजीबीटी नहीं चाहिए अपने को, चल हटा इसको। मतलब हर एक रेनबो चीज़ एलजीबीटी तो नहीं हो सकती, कोई बात नहीं चलो बदल यार बदल, इस कपड़े को बदल, मेरे को अच्छा नहीं लगता। ठीक है चलो अपने असली कपड़े पहन लिए, अभी चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड्स पे। ब्रूम को समान करना है अपने, झाड़ू पे बैठ के उड़ना है अभी। ठीक है देखते हैं कि हम झाड़ू पर सीधा सीधा बैठ के उड़ते हैं या नहीं। तो यहाँ पे कुछ तो, ये क्या उल्लू, उल्लू यहाँ पे पड़ा है तो उठा ले भाई, 320 जेम्स, हट।
तो चलो क्लास के अंदर हम आ गए, और लोड होने में टाइम ले रहा है। ओके हो गया लोड, हो गया हो गया। चलो ओके, तो यहाँ पे हमें शायद इससे बात करने, इस बंदे से। और ये हमारी क्लास टीचर, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम भूल गया मैं, क्या था इसका नाम, अपल पप से, लेकिन क्या नाम है इसका, मैडम होच। ओके और यार बेन भाई, और रोतलू बच्चा था ना वहाँ पे, ये वो जो रोता रहता था और ज़्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाता था, यही है वो। तो शायद अपनी क्लास अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी। चलो तो ये भाई लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन गेम अच्छी है, बहुत अच्छी गेम। रूम केयर एंड मेंटेनेंस, तो अच्छा, तो अपने झाड़ू को अभी मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी, तभी शायद हम उसे बढ़ा पाएंगे। तो चलो अभी यहाँ पे जल्दी से कुछ टाइट वाइट करते हैं, रस्से वस्या नई, क्या कहते हैं उसको, क्या नया ऑयल लगाते भाई, चमकाते झाड़ू को अपने फटाफट से। ओके या फिर रिवॉर्ड, तो अपन अभी ये शील्ड, क्या कहते हैं इसको, ब्रेवरी, यस ये चूज करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ तो लगा दिया, यहाँ पे कोट वोट लगा दिया कुछ, तो किसी की झड़ू चमक जाए, एकदम नया नया लगे, यस बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके अपना झाड़ू तो चमक गया बहुत अच्छे से, और अपना मिशन भी कंप्लीट हो गया। ओके अभी क्या करना है भाई, प्रिपेयर टू समंद रो, अभी झाड़ू को पकड़ना है शायद ना मिस्टर एडवांस। ओके तो अपने को शायद अभी झाड़ू को पकड़ना है, अभी उड़ा नहीं सकते क्या यार, हट जगह, हम झाड़ू पर बैठ के सीधा उड़ेंगे ऐसे आसमान में, पंछी बने उड़ते फिरे मस्त गगन में, ऐसा गाना बोल के उड़ेंगे, लेकिन नहीं, अपने को झाड़ू को समन करना सीखना है, फिर भाई उड़ेंगे भाई हम, अभी तो नहीं अब। ओके तो यहाँ पे सीधा सीधा इसको ऊपर लेना है। ओके भाई, तो हमने ये झाड़ू को शायद ओके बुला लिया भाई, समन कर लिया हमने इजीली, तो शायद क्लास हो भी गई अपनी। ओके तो यहाँ पे अपनी क्लास अच्छे से हो गई। ओके तभी देखते क्या करना है आगे, क्लास खत्म। चलो भाई, तो ये ऊंचाई से डरता है बच्चा, बहुत घबराता है, ये हर चीज से घबराता है। ओके तो अभी अपने दोस्त जो है रोहन थे, उसको उस पर चेक करने के, भाई कहाँ जा रहा है बंदा, मतलब कुछ गड़बड़ बड़बड़ में तो फंस नहीं गया, या फिर इस मेरेला के चक्कर में फंस गया भाई, पागल हो गया। ठीक है चलो देखते हैं भाई क्या करते हैं, कर रहा है वो, जाते हैं उसके पास। कोर्ट यार्ड में वहाँ पे कुछ तो कर रहा है, वहाँ पे गॉबस्टोन खेल रहे हैं उसके साथ अपने को। चलो चलते उस रोवन को ढूंढते भाई, क्या कर रहा है वो देखते। कुछ हाउस पॉइंट्स मिले कि नहीं अपने को, मैं चेक नहीं किया, जाने दो बाद में चेक करेंगे। ठीक है हमने फ्लाइंग लेवल 1 सीख लिए, चलते भाई मीट विथ रोवन, लेट्स गो। ओके तो यार कोर्ट यार्ड चलते, यहाँ पे मीट करते उस, देखते क्या कर रहा है वहाँ पे वो। ठीक है तो यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है अकेला अकेला भाई, चलो ए क्या कर रहा है बे साले, तेरे को ढूंढ रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, यहाँ पे अगर पत्थरों के साथ खेलता है तू साला। अच्छा भाई क्लास बंक करके बैठा है यहाँ पे साला, मेरे को लगा होशियार है बच्चा, लेकिन बंक करके बैठा है साला, चश्मिश। अभी क्या, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, उसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि हम मेरीला को कैसे बुली कर सकते हैं, तो ये इसके फैमिली के ऊपर रिसर्च कर रहा है, और पता चला क्या कुछ तो सीक्रेट पता चला इसको,
लेकिन ये पता नहीं रहा क्योंकि हम उसको हम पर भरोसा नहीं है, इसलिए ठीक है। तो बोल रहे थे मेरे साथ गोल्फ स्टोन खोल और कुछ मेरा कुछ सीक्रेट्स मतलब मेरे को पता चल जाएगा तू मेरे साथ, मतलब क्या कहते उसको कि तू मैं तुझे भरोसा कर सकता हूँ या नहीं। तो चलो इसके साथ एक गेम खेलते भाई। ठीक है, तो अभी जो भी हारेगा उस पर कुछ तो स्प्रे करेंगे हम। तो अभी खेलते हैं इसके साथ, आ जाए चश्मिश कुछ भी खेलता है भाई। Do you know how one wins? Make tallest tower of stones? नहीं भाई हार गए हम। Can I trust your secrets? Yes, I'm the best friend you have, brother. Okay भाई, इसको यकीन दिलाना है कि भाई इसके सीक्रेट्स हमारे साथ सेफ है। आई बेट मुरेला चीट्स एट गेम। चीटिंग इज ऑलवेज रॉन्ग। पर कभी कभी चीटिंग चलती भी है गाइस, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है वैसे। ठीक है, समटाइम्स चीटिंग इज ओके बट समटाइम्स नॉट, क्या करे। विल यू ट्रस्ट इन माई रिसर्च? यस ऑफ कोर्स। ठीक है भाई, तो ऐसे दोस्त की मतलब क्या कहते हैं यारी जीती जाती है। ठीक है, तो चलो बन गया ये दोस्त अपना। तो पहले क्या अपना चाटे देखा ये साटिया। ठीक है जाने दो। ठीक है, तो चलो अभी ये कुछ तो बताएगा अपने को। ठीक है, तो अभी हम उसको सीक्रेट पूछ रहे हैं। मेरुला का सीक्रेट कुछ तो अच्छा। तो मेरुला के जो पेरेंट्स है वो अज़्काबान में लॉक है भाई साहब। अभी इनको पता नहीं कि अज़्काबान क्या है। तो एक अज़्काबान एक क्या है जेल की तरह होता है जहाँ पे हॉगवर्ट्स के जो कैदी होती है जो बुरे जादू करते हैं उनको वहाँ पे कैद किया जाता है और वहाँ से निकल नहीं सकते, इसलिए उसका नाम अज़्काबान है। पता नहीं क्यों, मुझे तो पता नहीं इतना ज़्यादा इसके बारे में, लेकिन है ऐसा कुछ तो जगह है। और आप ऐसे बुरे लोग जाते हैं, अच्छे लोग नहीं। और इसके पेरेंट्स गए, मतलब इसके पेरेंट्स ने कुछ तो बुरा किया था। और ऐसी है ये भी छपरी है भाई साहब, मतलब आधे कलर चॉकलेट है आधे कलर ऑरेंज है। क्या है भाई अपने देख पूरा लाल लाल, किसी में दम है क्या भाई? ठीक है, तो ये अपने 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 ब्रदर के बारे में कुछ तो बता रही है, डेढ़ छानी बन रही है। ठीक है, तो इसने उसका नाम ले लिया। किसका वो कौन था वो वोल्डेमॉर्ट ना? हाँ उसका नाम ले लिया इसने। तो उसका नाम नहीं लेना, उसका मना बैन है उसका नाम लेने पे। शायद इग्नोर कर भाई इस पर, क्या ये ऐसे ही होते ऐसे बच्चे, ज़्यादा बोल के चमाट चमाट मार देते चमाट। ठीक है, हम बेटर इससे। यस चलो भाई चलते निकलते, क्या है इसके मुंह लगना। अरे भाई इसने कुछ तो स्पेल यूज़ किया अपने पे, शायद कुछ तो भाई अटैकिंग स्पेल है। अपने को सीखना पड़ेगा, अपने को बस वो लाइटनिंग चार्म स्पेल आता है बस, और कुछ नहीं आता। अपने को ड्यूल सीखना पड़ेगा कैसे करते भाई। तो चलते अभी। तो यहाँ पे इतने सारे दोस्त थे, रोहन का खन्ना हाँ मैंने नाम रख लिया उसका। यहाँ पे इतने सारे दोस्त थे भाई। अरे फिर रोमांस भी, मतलब कि हम यहाँ पे कुछ तो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बना सकते हैं गेम के अंदर भी। बहुत अच्छे, चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया।
ओके, दो जेम्स मिले बस अपने को। चैप्टर 4 ड्यूलिंग मोटिव्स। ओके चलो इसका स्टार्ट करते भाई। तो चलो उस एंजेलिका के पास जाते हैं क्योंकि वो अपनी सीनियर है, तो उसको पता होगा कि कैसे ड्यूल करते, कैसे ड्यूल का स्पेल कास्ट करते, उससे पूछते, वो सिखा देगी अपने को। चॉकलेट फ्रॉग्स ये क्या मिला अपने को? वो तो डम्बल डोर है। ठीक चलो एंजेलिका से मिलते हैं, वो देखते हैं बाद में क्या डम्बल डोर का सीन क्या है। तो ये हम आ गए एंजेलिका के पास। नहीं रोवन है ये तो। ओके तो हम मेरे लड़के से जाने दे नहीं सकते क्योंकि वो बार बार अपने को परेशान करेगी, और हाँ हम गुस्सा तो है भाई। कि उसको अपने भाई के बारे में ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, अब इसकी ज़ुबान काटनी पड़ेगी अपने को। ठीक है भाई चलो, उसका तो बहुत हो गया, बहुत बोल ले तुम अपने भाई के बारे में, पता चल गया कैसा भाई तेरा। ये भाई क्यों डर रहा है इतना वोल्डेमॉर्ट से? तेरे को थोड़ी कुछ करने वाला है, वो तो हमारे पीछे आएगा, हम क्योंकि मेन कैरेक्टर है। तो ये आ गए एंजेलिका, ये तो बिजी है भाई। और मेरे लिए बता रहे कि उसने अपने को हारा दिया भाई स्कूल के अंदर। अरे एक बार हारा दिया है, अगली बार देख सीधा ऐसा सीधा चांद पर भेज देंगे तेरे को, समझ गई? अच्छा तो अपने को ऑफेंसिव मूव कुछ तो सीखना है अपने को। सीक्रेट डीलिंग बुक इन आर्टिफैक्ट रूम। तो चलो भाई अपने को एक सीक्रेट डीलिंग बुक ढूंढनी है जो एंजेलिका ने बताया, तो चलते से वापस जाके ढूंढते भाई और एक डीलिंग स्पेल सीखते पहले। तो चलते अभी इस रूम के अंदर, देखते भाई कुछ मिलता है कि नहीं अपने को। ये क्रिसमस आ गया क्या यहाँ पे? पूरी जगह क्रिसमस क्रिसमस लगा रखा है, लाइटिंग लगा रखे इस क्रिसमस के। तो चल के देखते भाई इस क्या है इस रूम के अंदर। ये भी यहाँ पे पहले से खड़ा है। इट्स नाइस भाई, कूड़ा कचरा तो पड़ा है यहाँ पे लेकिन सब कुछ जादू ही है। ठीक है तो चलो देखते भाई कुछ उस सीक्रेट बुक को ढूंढते। एक ऑफिसिंग क्रिएटिव एडवेंचर वन हीलिंग स्पेल सीखना है अपने को। तो चलो ढूंढो ढूंढते ढूंढते जाओ। कोई तो इसका नाम ले रहा है भाई, मिस्टीरियस वॉइस कोई तो नाम ले रहा है इसका। तो भाई इसको आवाज़ सुनाई दे रहा है, देने लग गए अभी। चलो जल्दी जल्दी ढूंढो भाई, मेरे को नींद आने लग गई। ओके तो शायद अपने को मिल गई कहाँ पे। ओके चलो हमने यहाँ पे सारी जगह ढूंढ मारी, अभी तो मिल ही जाएगी वो बुक अपने को। ओके ये रही, मिल गई भाई ड्यूलिंग बुक मिल गई। चलो अच्छी बात है, क्या बात है। तो बोल रहा है जल्दी सीख ले भाई, नहीं तो मस्ती करेगी वापस तेरे साथ, फिर इधर चली जाएगी। और अभी ये क्या हुआ इसको, ये क्या इसको कुछ दिख रहा है शायद कुछ तो एक। हाँ गेम का नाम ही है हैरी पॉटर मिस्ट्री एट हॉगवर्ट्स, तो ये शायद वो सारी मिस्ट्री थे भाई। सोल्जर वोल्जर है आइस के, और ये कुछ अजीब अजीब चीज़ें, एक स्पाइडर इतना बड़ा, और भाई एक ड्रैगन भी है हॉगवर्ट्स के अंदर। क्या बात है भाई, हॉगवर्ट्स मिस्ट्रीज तुम्हारा है भाई, बहुत सारी मिस्ट्री थी भाई। हैरी पॉटर के अंदर भी बहुत, मूवीज़ के अंदर भी बहुत सारी मिस्ट्री थी, सॉल्व तो हैरी करता था। देखते हम कर सकते कि नहीं ये सारी मिस्ट्रीज। बता रहा है अभी क्या हो गया, क्या देख रहा है वहाँ पे उसको। तो चलो शायद हो गया अपना। तो इसने कुछ तो कहा उस वॉइस ने, उसके वॉल्ट विल ओपन।
क्या पता क्या कहा, अभी तो पता नहीं चलेगा लेकिन बाद में पता चल ही जाएगा कि क्या था। चलो अभी चलते ग्रेट हॉल की तरफ और वो स्पेल सीखते हैं भाई, ड्यूलिंग स्पेल। ओके तो बस हो गया शायद, मेरे को अभी नहीं सीखना है वो ड्यूलिंग स्पेल। ठीक है तो चलो यही पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लेना और डिस्कॉर्ड का सर्वर भी ज्वाइन कर लेना। तो मैं आगे और क्या बोलूँ गाइस, आपको तो पता ही मैं रोज़ यही बोलता हूँ, बकबक करता हूँ। तो मैं आज कुछ थोड़ा नया बोलता हूँ कि सब्सक्राइब तो किया है आपने, साथ ही घंटी बजा देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो ठीक है वापस से एक बार मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।